वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट आई एम देवेंद्र चौधरी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ टॉक्सिन एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स इन डिजीज डेवलपमेंट दिस इज फॉर द कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पहले देखते हैं रोल ऑफ टॉक्सिन इन प्लांट पैथोजेनेसिस ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं टॉक्सिन कैन बी डिफाइंड एज अ माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स सिक्रेटेड बाई ए पैथोजन इन वेरी लो कंसेंट्रेशन विच इज डायरेक्टली टॉक्सिक टू द सेल सो ऐसे केमिकल्स जो कि पैथोजन के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं और जो प्लांट सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं टॉक्सिन कहलाते हैं टॉक्सिन्स आर द डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स बिकॉज टॉक्सिन डो नाट अटेक ऑन द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द होस्ट टिशू बट अफेक्ट द मेटाबोलिज्म ऑफ द होस्ट एंड टॉक्सिन एक्ट ऑन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल जैसे हम पिछले वीडियो में देखे हैं प्लांट्स में जो सेल वॉल या मिडल लेमिला प्रेजेंट होते हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए पैथोजन एंजाइम सिक्रीट करते हैं लेकिन ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो प्लांट के सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो नॉर्मल मेटाबोलिज्म प्रोसेस होता है उन्हें प्रभावित करते हैं जैसे कि कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को रोक देंगे कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होंगे जो कि उसके रेस्पिरेशंस को रोक देंगे तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं प्लांट्स में उन्हें ये टॉक्सिन प्रभावित करते हैं अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। सो सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर व्हीलर और ल्यूक ने 1963 में टॉक्सिन को तीन क्लास में डिवाइड किया पैथोटॉक्सिन वोटॉक्सिन और फाइटोटॉक्सिन पहले देखते हैं पैथोटॉक्सिन दीज आर द टॉक्सिन्स विच प्ले अ मेजर रोल इन डिजीज डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस ऑल आर मोस्ट ऑफ द सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक्स टू द डिजीज फॉर एग्जाम्पल एक कोई पैथोजन है हेलमिथोसपोरियम मेडिस उसके द्वारा इस प्रकार से सिम्टम दिखाई देते हैं अगर हम हेलमिथोसपोरियम मेडिस को कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे और उससे टॉक्सिन को आइसोलेट करेंगे और इस प्योर टॉक्सिन को जब हम प्लांट्स में डालेंगे तो सेम इसी प्रकार के ही सिम्टम डेवलप होते हैं सो पैथोटॉक्सिन ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो कि डिजीज डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर हम टॉक्सिन को पैथोजन से आइसोलेट करके प्लांट्स में डालते हैं तो सेम टाइप के ही सिम्टम डेवलप होते हैं इन्हें कहते हैं पैथोटॉक्सिन फॉर एग्जाम्पल विक्टोरिन प्रोड्यूस्ड बाई कोकलीबोलस विक्टोरी फिर देखते हैं फाइटोटॉक्सिन टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट ड्यू टू होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पैरासाइट्स विच इंड्यूस फ्यू आर नन ऑफ द सिमटम कॉज्ड बाई द लिविंग पैथोजन सो ऐसे टॉक्सिन जो कि होस्ट और पैथोजन के बीच जब इंट्रेक्शन होता है उस समय प्रोड्यूस होता है दे आर नॉन स्पेसिफिक एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट सो फाइटोटॉक्सिन और डिजीज डेवलपमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि पैथोजन अगर प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है और उसमें फाइटोटॉक्सिन नहीं बनता फिर भी उसमें डिजीज होगी लेकिन पैथोटोक्सिन जो हम पहले देखे हैं वो ऐसे टॉक्सिन है जो अगर पैथोजन सिक्रीट ना करे तो डिजीज नहीं होगी फाइटोटॉक्सिन के एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया सोलैनी टॉक्सिन। दीज आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द इंफेक्टेड होस्ट बाय द पैथोजन बट इज नॉट इट द इनिशियल इंसाइटिंग एजेंट ऑफ द डिजीज वीवोटॉक्सिन भी पैथोजन के कारण प्रोड्यूस किए जाते हैं लेकिन ये भी डिजीज डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं जैसे कि फ्यूजेरिक एसिड बाई फ्यूजेरियम लाइकोमरासमिन बाई फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लाइकोपर्सिकी पेरिकुलेरिन बाई पेरिकुलेरिया ओराइजी सो so, इन तीनों टॉक्सिन में पैथोटॉक्सिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके बिना डिजीज डेवलपमेंट नहीं होता है लेकिन पैथोटॉक्सिन और वीवोटॉक्सिन डिजीज डेवलपमेंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉक्सिन बेस्ड ऑन होस्ट सेलेक्टिविटी होस्ट सेलेक्शन के आधार पर टू टाइप के टॉक्सिन होते हैं होस्ट सेलेक्टिव एंड होस्ट नॉन सेलेक्टिव होस्ट सेलेक्टिव ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो कि स्पेसिफिक पैथोजन के द्वारा स्पेसिफिक होस्ट में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे कि टी टॉक्सिन ये हेलमिन्थोसपोरियम मेडिस रेस टी के द्वारा केवल मेज में ही प्रोड्यूस होते हैं एचसी टॉक्सिन हेलमिथोसपोरियम कार्बोनम के द्वारा मेज में प्रोड्यूस होते हैं एच एस टॉक्सिन हेलमेंथोसपोरियम सेकेरी ये शुगर कैन में प्रोड्यूस होते हैं होस्ट नॉन सेलेक्टिव ऐसे टॉक्सिन जो कि एक पैथोजन के द्वारा अलग अलग होस्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे कि टेन टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई अल्टरनेरिया टेप टॉक्सिन आर वाइल्ड फायर टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई सुडोमोनाज टेबेसी फेसियोलोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई सुडोमोनास सिरिंजी थोवर फिजियोलिकोला इफेक्ट आर रोल ऑफ टॉक्सिन ऑन होस्ट टिश्यू सो ये जो टॉक्सिन होते हैं वो होस्ट में क्या क्या चेंजेस करते हैं और ये होस्ट को कैसे प्रभावित करते हैं पहला है चेंज इन द सेल परमिएबिलिटी टॉक्सिन किल द प्लांट सेल बाई अल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दस परमिटिंग लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल्सो अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग टॉक्सिन। जैसे कि ये बहुत सारे प्लांट सेल हैं और इसमें एक पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ अब ये पैथोजन यहाँ पर टॉक्सिन सिक्रीट करता है टॉक्सिन श्रावित करता है अब ये टॉक्सिन प्लांट के सेल में जाता है और वहाँ पर सेल की परमिएबिलिटी को प्रभावित करता है मतलब कि ये जो प्लांट सेल होते हैं वो किसी भी बाहरी पदार्थ को सेल के अंदर आने नहीं देते हैं और सेल के अंदर के जो सब्सटेंस हैं पदार्थ हैं उसे बाहर भी नहीं जाने देते हैं लेकिन ये जो पैथोजन के टॉक्सिन होते हैं उनके कारण से सेल में टूट जाता है जिसके कारण से पैथोजन का टॉक्सिन सेल के अंदर चले जाता है और सेल के अंदर में जो भी मटेरियल हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर इस पदार्थ को जो होस्ट से बाहर आया है उसे ये पैथोजन यूज़ करते हैं इस प्रकार से ये जो टॉक्सिन है वो पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और अपने फायदे के लिए सेल की परमिएबिलिटी को प्रभावित करते हैं डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी जनरेशन रेस्पिरेशन सो ये जो टॉक्सिन होते हैं इस प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित करते हैं टॉक्सिन्स इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन ड्यू टू डिस्टर्ब साल्ट बैलेंस टॉक्सिन के कारण प्लांट सेल में साल्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसके कारण से इन्फेक्टेड प्लांट्स में रेस्पिरेशन बढ़ जाता है मॉल फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम सिस्टम प्लांट्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अपना अपना काम करते रहते हैं लेकिन टॉक्सिन के कारण उनका काम प्रभावित होता है फॉर एग्जाम्पल्स पायरिकुलेरिन इनहिबिट पॉलीफिन ऑक्सीडेज प्लांट्स में एक एंजाइम है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो कि पायरिकुलेरिन के द्वारा इनहिबिट हो जाता है और काम नहीं कर पाता अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट काम है ए जनरेशन पी ए बनाना सो एथसीट ऑक्सिन के कारण ये जो ए जनरेशन है वो नहीं हो पाता प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती है जिसके कारण से जो प्लांट सेल हैं वो कमजोर हो जाते हैं और डिजीज से नहीं लड़ पाते इंटरफेयर विद द ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द होस्ट प्लांट टॉक्सिन के कारण प्लांट्स में डेवलपमेंट नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल फ्यूजेरियम मोनुली के कारण रूट में डेवलपमेंट नहीं होता है सेल डेथ कई सारे टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो कि सेल को किल कर देते हैं जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड जैसे ये प्लांट्स के सेल हैं इसमें पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ और ये टॉक्सिन सीक्रिट किए अब ये टॉक्सिन प्लांट सेल में जाते हैं और इन सेल को किल कर देते हैं मार देते हैं फिर इन मरे हुए सेल्स में ये जो पैथोजन है वो ग्रो करता है हम पहले भी देख चुके हैं जो पैथोजन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं नेक्रोट्रॉफ बायोट्रॉफ और हेमी ये जो नेक्रोट्रॉफ होते हैं वो डेड सेल्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं सो so, जो नेक्रोट्रॉफिक पैथोजन होते हैं जैसे कि अल्टरनेरिया राइजोपस ये पहले सेल को किल करते हैं उसके बाद उस मरे हुए सेल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और इसी प्रकार के पैथोजन सेल डेथ करने वाले टॉक्सिन को सीक्रीट करते हैं क्लोरोसिस जैसे कि एचवी टॉक्सिन प्लांट सेल ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल सो so, जो पैथोजन होते हैं वो एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं और वो टॉक्सिन क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है जिसके कारण से पत्ते पीले पड़ जाते हैं विल्टिंग कुछ ऐसे टॉक्सिन भी हैं जो कि विल्टिंग में हेल्प करते हैं ये विल्टिंग नहीं करते लेकिन विल्टिंग में हेल्प करते हैं जैसे कि फ्यूजेरिक एसिड और फ्यूजेरिक एसिड एक वीवो टॉक्सिन है अब हम देखते हैं रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं पहला है ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं जैसे कि ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं सेल के नंबर्स को बढ़ाते हैं रूट ग्रोथ सूट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस जैसे कि इथाइलिन एफ्सिक एसिड इनका भी प्लांट्स में बहुत रोल है जैसे कि इथाइलिन ये फल के पकने में हेल्प करते हैं एफ्सिसिक एसिड प्लांट्स में एजिंग के समय बनते हैं और जो पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं उसमें इसी का ही रोल होता है सो ये जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका यूज़ पैथोजन अपने फायदे के लिए करता है और कैसे करता है आगे देखते हैं द इम्बेलेंस इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस कॉज हाइपरट्रोफी एंड एट्रोफी हाइपरट्रोफी मतलब कि सेल का साइज जब बढ़ जाता है उसे हाइपरट्रोफी कहते हैं हाइपर क्या होता है जब सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं तो उसे हाइपर कहते हैं और एट्रोफी क्या होता है जब सेल का ग्रोथ रुक जाता है उसे एट्रोफी कहते हैं प्लांट्स में अगर हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो उसमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स डेवलप होते हैं जैसे कि ट्यूमर्स गाल्स नोड विचप्रूम स्टंटिंग एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग डिफोलिएशन एंड सप्रेशन ऑफ बड ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल्स जो निमेटोड होते हैं वो भी प्लांट्स में हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं निमेटोड एक सीडेंट्री पैथोजन है मतलब कि ये एक जगह पे इन्फेक्शन करेगा और फिर वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करता है ये प्लांट्स के अंदर मूव नहीं कर सकता इसीलिए ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं मतलब ये खुद से हार्मोन बनाकर प्लांट्स में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि जो प्लांट के सेल होते हैं उनका साइज बढ़ता है और उनके नंबर्स बढ़ते हैं और फिर ये निमेटोड आराम से एक ही जगह पर बैठकर अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है जब प्लांट के सेल का साइज बढ़ेगा तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो भी इंक्रीज होते हैं और फिर कोई डिफेंस रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट नहीं होता और इस प्रकार से जो सिम्टम आते हैं वो कहलाते हैं रूट नॉट ये जो रूट नॉट सिम्टम हैं ये निमेटॉट के कारण डेवलप होते हैं और हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ऐसे सिम्टम्स आते हैं कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में हार्मोन को प्रभावित करते हैं जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम जिसके कारण से एप्पल में क्राउन गाल होता है बीन रस्ट अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले देखते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन इन डिजीज डेवलपमेंट प्लांट्स में ऑक्सीजन का बहुत रोल है जो कि स्टेम के लेंथ को बढ़ाते हैं लेकिन यह देखा गया है कि बहुत सारे पैथोजन का जब इन्फेक्शन होता है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो प्लांट्स में डिफेंस रिस्पॉन्स कम हो जाता है इसीलिए जो पैथोजन होते हैं वो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं जिससे कि प्लांट का जो डिफेंस रिस्पॉन्स है वो कम हो जाए और ऐसे पैथोजनस जो कि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं फाइटोक्थोरा इन्फेस्टेंस जिसके कारण से लेट ब्लाइट होता है युस्टीलागोमेडिस मेजिसमट प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी क्लब रूट ऑफ क्रोसीफर स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला डाउनी मिलडी ऑफ सॉर्गम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्राउनगाल ऑफ एप्पल और मिलेडोगाइनी यह एक निमेटोड है जिसे रूट नोट निमेटोड कहते हैं सो so, ये सब पैथोजन प्लांट्स में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं जिब्रेलिन जो जिब्रेलिन का रोल होता है वह प्लांट्स में स्टेम के लेंथ को बढ़ाने के लिए होता है अगर जिब्रेलिन का लेवल बढ़ेगा तो स्टेम लेंथ बढ़ता है एक पैथोजन है जिबरेला फ्यूजिकोराई ये राइस में बकाने डिजीज करता है जिसे फोलिस सिडलिंग डिजीज भी कहते हैं और इसमें क्या होता है जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब क्वेश्चन आता है कि इसमें पैथोजन को क्या फ़ायदा जो पैथोजन होते हैं वो ग्रेन्स में इन्फेक्शन करते हैं अगर ये नॉर्मल हाइट में रहेगा तो इसके ग्रेन्स में जो स्पोर बनेंगे वो दूर दूर तक नहीं फैल पाएंगे इसीलिए जिब्रेलिन का लेवल ये बढ़ा देते हैं जिसके कारण से इन्फेक्टेड प्लांट का हाइट बढ़ जाता है और अगर ऐसे पौधे में स्पोर्स बनेगा तो ये स्पोर्स दूर दूर तक हवा में ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन प्लांट्स में सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है जो पैथोजेंस होते हैं वो प्लांट्स में साइटोकाइनिन के लेवल को बढ़ा देते हैं जिसके कारण से इन्फेक्टेड प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर पैथोजन इन्फेक्शन करते हैं और आराम से प्लांट के न्यूट्रिशन को लेते हैं जो साइटोकाइनिन लेवल है कुछ पैथोजन के द्वारा बढ़ाए जाते हैं जैसे कि क्लब रूट पैथोजन ब्रेसिकी, क्राउन क्राउनगाल पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम रस्ट पैथोजन पक्सीनिया ये जो रस्ट पैथोजन है ये बायोट्रॉफिक होते हैं मतलब कि ये केवल लिविंग प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं सो so, इसीलिए ये साइटोकाइनिन के लेवल को बढ़ा देते हैं जिसके कारण से आसपास के जो सेल हैं उनमें सेल डिवीजन बढ़ेगा और वो लंबे टाइम तक जीवित रहेंगे और ये पैथोजन लंबे टाइम तक वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे इसीलिए कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो लंबे समय तक ग्रीन रहते हैं और इसका रीज़न यही है कि पैथोजन कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जैसे कि साइटोकाइनिन और वो जो प्लांट है वो लंबे समय तक ग्रीन बना रहता है और लंबे समय तक जो पैथोजन है वो भी मल्टीप्लाई करते रहते हैं अब देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस जैसे कि इथाइलिन इथाइलिन इज इन्वॉल्व इन द प्रीमेच्योर राइपनिंग ऑफ द फिंगर्स इन बनाना इन्फेक्टेड बाई सुडोमना सोलनेसियरम सो ये देखा गया है कि बनाना में एक डिजीज होती है मोको डिजीज जो कि रालस्टोनिया सोलेनेसियरम से होता है रालस्टोनिया का ओल्ड नाम सोडोमोनास सोलेनेसियरम है लेकिन जो उसका न्यू नेम है वो है रालस्टोनिया सोलेनेसियरम और पैथोजन प्लांट्स में इथाइलिन के प्रोडक्शन को इनक्रीज कर देते हैं जिसके कारण से बनाना के फ्रूट्स में रैपनिंग होने लगती है इथाइलिन वॉज ऑल्सो डिटेक्टेड इन द लिप इपिनेस्टी सिम्टम ऑफ द वस्कुलर विल्ट जब प्लांट्स में विल्ड पैथोजन का इन्फेक्शन होता है उस केस में भी इथाइलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है एफसिसिक एसिड इट एक्स डोरमेंसी इन सीड्स क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा इनहिबिशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ एंड स्टिमुलेटेड जर्मिनेशन ऑफ फंगल स्पोर्स इट इज वन ऑफ द फैक्टर इन्वॉल्व इन द स्टंटिंग ऑफ द प्लांट्स सो ऐसा देखा गया है कि ऐसे पैथोजन जो कि स्टंटिंग करते हैं जिनमें पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है